गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर, सीएड यूनिट फाइव और यह एफ टेन एंड एफ टेन दोनों में टॉपिक दिया हुआ है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालें या वर्णन करें। तो पाठ्यक्रम के बाद परिभाषा, उद्देश्य पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित है, क्या निम्न है, इसमें मुख्य रूप से 11 पॉइंट निहित है। 11 पॉइंट के माध्यम से हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो फर्स्ट में है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशील पाठ्यक्रम के निर्माण में क्रियाशीलता का सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4H का स्थान दिया गया है, ये जो है 4H यानी 4H जो है उसका स्थान दिया गया है। तो 4H में ए नंबर में है H, जैसे एक नंबर में ए है एक H, H मतलब होता है हेल्थ का मतलब होता है संपूर्ण विकास, H हो गया एक, यानी हेल्थ संपूर्ण विकास, यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में से स्वस्थ रहना भी जरूरी होता है और इसे ही क्या है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वस्तु में नहीं होता। तो किसी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वस्थ होना अत्यंत जरूरी होता है। दूसरा है एच, ये फर्स्ट एच हो गया, ये सेकंड एच है हेड होता है। हेड मतलब होता है आप लोग पहले से जानते हैं मानसिक विकास, यानी हेड का मतलब होता है दूसरे नंबर में, यानी किस बालक का आईक्यू लेवल कितना है उसी हिसाब से इसका मानसिक विकास होता है। तीसरा नंबर में है एच हैंड, हैंड का मतलब होता है क्रियात्मक विकास यानी करके सीखने वाला। चार नंबर में है 4H, ये हो गया चार नंबर 4H, फोर एच में होता है हार्ट यानी भावनात्मक विकास। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत में ये 4H का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यह है भावनात्मक विकास जो भावना पर आधारित होता है। अब पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे बालक को स्वयं कार्य करने का अवसर मिले, क्योंकि स्वयं करके सीखा गया कार्य ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। जो बालक अपना से स्वयं कोई कार्य करके सीख रहा है या अपने अनुभव के द्वारा कर रहा है वो हमेशा वो ज्ञान अस्थायी रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे किसी के दूसरा बताया हुआ है या किसी के द्वारा बताया हुआ या किसी के द्वारा किया गया कार्य सिखाया रहा है तो वो अस्थायी होता है, क्योंकि वह कुछ दिन के बाद आगे चल के भूल जाते हैं। तो इसलिए इसका जो अपना से स्वयं करेंगे वह स्थान हमेशा रहता है, वे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में एक नंबर में क्रियाशीलता का सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत, यानी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। तो रचनात्मक एवं सृजनात्मक
शक्तियों का सिद्धांत। पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए जिससे रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास हो सके। इसके लिए बालकों को स्वयं समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उचित दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे उचित दिशा निर्देश दिए जाने पर ही बालक निश्चित है कि वह सही दिशा राह पर जाएगा, या किसी ट्रेंड शिक्षक के द्वारा या अनुभवी शिक्षक के द्वारा उसे अगर दिशा निर्देश दिया जाता है तो निश्चित है कि बालक वो अपने लक्ष्य पर चल करके वह अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत में पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसके आगे है तीसरे नंबर में हम अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का यह तीसरा पॉइंट है, क्योंकि इसमें 11 पॉइंट निहित है जिसके निर्माण के बारे में दर्शाता है। तो इसमें समानता का सिद्धांत अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो समानता का सिद्धांत ज्ञान स्वयं में पूर्ण है जो विभिन्न विषय ज्ञान का उप विषय में एक होते हुए आपस में सहसंबंध होता है, जिसमें बच्चों में सुनने कोमा बोलने कोमा पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करता है। अब है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत तो आप लोग पहले से जान ही रहे हैं। तो रुचि का सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र हित के ध्यान में रखकर होना चाहिए। छात्र किसी भी विषय को सोच समझकर अध्यापन कार्य न करें ताकि सक्रिय रूप से कार्य करें। तो रुचि के सिद्धांत में जिस क्षेत्र में जिस शिक्षा में बालक की ज्यादा लगन होती है यानी रुचि होती है उसी में सबसे ज्यादा बालक का ध्यान केंद्रित होता है और उसी में वह सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। उसके बाद आगे चेतना का सिद्धांत। तो चेतना का सिद्धांत यह बताता है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से हो जिसमें बालक के अंदर भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी दी जा सके। यानी चेतना मन में सब किसी को चेतना उत्पन्न होता है, यानी जो जिस तरह से सोचता है उस आधार पर ही उसका विकास होता है। तो इसमें है कि इस प्रकार से जिसमें बालक के अंदर भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी दी जा सके ताकि बालक समाज व देश के विकास में सहयोग दे सके और किसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार पुनरावृत्ति न हो, छात्र को भविष्य उपयोगी जानकारी दी जाए। यानी जब भविष्य के किसी अन्य घटनाओं के बारे में अगर नहीं बताया जाए बच्चों को और उसको ऐसे चीज को विकास किया जाए जिससे उसके भविष्य में विकास हो सके और वह जानकारी उसके भविष्य के लिए हो। उसके बाद है सिक्स नंबर में अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। यानी अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक यानी विषयों नहीं होना चाहिए बल्कि पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए जिसे बालक विद्यालय के बाहर या भीतर यानी अधिक बालक विद्यालय के बाहर ही सभी जगहों पर ज्ञान प्राप्त कर सके। विद्यालय के बाहर कहीं भी अगर बालक जाता है
वो अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, खेल का मैदान कुमार, प्रयोगशाला या असेंबली, ये सब में बच्चों क्या होता है, खेल खेल में वो सीखते हैं और अपने प्रयोगशाला में भी प्रयोग करके किसी के द्वारा बताई हो सेम अनुभव के द्वारा वह सीख लेते हैं। तो यह क्या है, सबसे अधिक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्माण में अनुभव ही महत्वपूर्ण स्थान दर्शाता है, जिसे वह बालक स्वयं उसे सीख सके और दूसरों को भी अपनी शिक्षा से प्रभावित कर सके और वह समाज में अपना एक अलग स्थान बना सके, जो वह बालक अपने अनुभव के द्वारा ही वह कार्य करता है। अब आगे है 7 नंबर में, लचीलापन या सरलता का सिद्धांत। लचीलापन यानी सरल, पाठ्यक्रम का निर्माण में लचीलापन का बहुत बड़ा स्थान होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे बालक की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जा सके और बालक पर अनावश्यक बोझ न दिया जाए। बालक पर अगर अधिक विषय दे दिया जाए, बोझ डाल दिया जाए, तो निश्चित है कि बालक वो पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सकता है, वह क्या होगा, कई तरह के संज्ञानों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए वह क्या है, बोझ उस पर ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालक घबरा जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, वह आगे बढ़ने में उसे कठिनाई भी हो सकती है, अन्यथा बालक निराश भी हो जाएगा। और बालक की रुचियों यानी रुचियों उसका इच्छा किस में है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यानी बालक की ऐसा सरल से सरल भाषा में प्रयोग करना चाहिए, ऐसे भाषा के प्रयोग करना चाहिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि बालक को किसी प्रकार से कठिनाई का सामना न करना पड़े और इतना सरल से सरल हो कि बालक के विकास में वो अपना स्थान अलग बना सके। उसके बाद है संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। ये 8 नंबर पॉइंट है, संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। तो संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत कल्चर, यानी आप लोग तो पहले से इसके बारे में जान रहे हैं, इसका भी पाठचर्या पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा में यानी अधिगम में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये भी इतना निर्माण में अपना स्थान योगदान दिया है। तो संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपनी सांस्कृतिक एवं सभ्यता के संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करना चाहिए, यानी हर देश का हर राज्य का अपना एक अलग अलग यानी जाति धर्म का एक अलग अलग अपना कल्चर होता है। तो पाठ्यक्रम में भी ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो पाठ्यक्रम के निर्माण में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। समाज में शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास होता है, जब बालक में सामाजिकता की भावना आएगी तो वह निश्चित है कि धीरे धीरे उसका विकास राज्य का, देश का और राष्ट्र का सबका होगा। तो हर कोई अपना अपना कल्चर को मानने के लिए तैयार है, तो पाठ्यक्रम में भी एक सांस्कृतिक एवं सभ्यता होती है, जो शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की अपनी सांस्कृतिक एवं सभ्यता के संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तुओं एवं क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिसके द्वारा बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हो सके, यानी पाठ्यक्रम में वैसे विषय को शामिल किया जाना चाहिए जो बालक में क्या है, बालक में संस्कृति और उसकी सभ्यता के जानकारी हो सके और वह दूसरों को भी जानकारी दे सके। अब आगे है 9 नंबर में, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। तो जीवन से संबंधक यानी पाठ्यक्रम या पाठचर्या के निर्माण में जीवन से संबद्धता का भी स्थान दिया गया है, क्योंकि उसमें इसका बहुत अहम भूमिका होती है। तो पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो वर्तमान में बालकों के वास्तविक जीवन से संबंध हो एवं भावी जीवन के लिए तैयार करें।
पाठ्यक्रम में वो सभी कार्य क्रम सम्मिलित हो जो बालक को इस योग बना दे कि वह बड़ा होने पर प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक कार्य कर सके। यानी जीवन से संबंधक से यह बताता है कि बालक में वैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, यानी पाठचर्या का, जो बालक को एक भावी जीवन निर्माण करने में सहायता प्रदान करे, सहयोग दे, ताकि बालक स्वयं करके अपने पैरों पर वह खड़ा हो सके और उससे अपने दूसरों पर आश्रित न रहे और अपना स्वयं भरण पोषण कर सके, जिससे उसके जीवन में आगे चल के सफलता लाया जा सके। अब है 10 नंबर में, इकाइयों में विभाजिता का सिद्धांत। यानी इकाइयों में विभाजिता, यानी इकाई एक, तो पाठ्यक्रम छोटी छोटी कई इकाइयों में यानी कई टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में तो हमेशा खामियां रहा है, तो हमेशा जब जब निर्माण हुआ है पाठ्यक्रम का, तब तक उसमें क्या है, तरह तरह के कमियां रह गई, उसे हमेशा सुधार करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्र लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, सभी में कुछ ना कुछ अपना राज्य, अपने हर राज्य, हर देश अपने सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया है और वह इकाइयों में कई टुकड़ों में उसे यानी विभाजित किया है, ताकि वह बालक को समझने में आसानी हो सके। तो पाठ्यक्रम छोटी से छोटी इकाइयों में विभाजित होना चाहिए, प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी उद्देश्य उसका क्या है पाठ्यक्रम का वह सुस्पष्ट होना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम सुबोध, सरल, सुस्पष्ट भाषा में होता है, क्या है, ताकि इसे बालक को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उसके बाद ये 11 नंबर में उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत यह बताता है, भाषा का अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाता है तथा भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों का स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। यानी उपयोगिता का जो सिद्धांत है 11 नंबर में है, इससे क्या है, बालक को उपयोगिता का सिद्धांत में बालक को ऐसे सिद्धांत विकास होनी चाहिए जिससे वह बालक अपने भविष्य के लिए अपने भावी जीवन का वह निर्माण कर सके। तो पाठ्यक्रम के पाठचर्या या पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत में यह 11 पॉइंट को सम्मिलित किया गया, निहित है, और इसी पर इसका यह निर्माण हुआ है। और यह पाठ्यक्रम पाठचर्या यह सभी मतलब जीवन को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी इसमें जब भी पाठ्यक्रम पाठचर्या पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है, उस समय हमेशा क्या है, कुछ न कुछ कमियां इसमें रह ही गया है। तो निश्चित है कि जब जब इसका निर्माण हुआ है तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ कमियों को सुधार करके दर्शाया गया है। तो इस पॉइंट को बच्चे नोट भी कर सकते हैं और इसमें जहाँ भी समझ नहीं आया है उसे फिर दोबारा समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। और यह इन पॉइंटों से सबको निर्माण किया गया है और इतने इस पाठ्यक्रम के निर्माण में यह सभी पॉइंट मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और इसको नोट कर लें और यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।